सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम टू माई क्लास द स्कॉलर्स हाउस में आपका फिर से स्वागत है। माई नेम इज़ भूपेंद्र सिंह बिस्ट एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब हेल्थी होंगे एंड सब फिट होंगे एंड यस सेफ होंगे एंड घर पर होंगे। नाउ फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें। तो आज एक चैप्टर देखिए, सॉरी आज एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है आपका, मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को आज करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। देखिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है आपके लिए, इसमें लिखा है सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव अस 7 कैश प्राइजेस, ठीक है। देखिए कुछ कहीं पर कुछ कंपटीशन हो रहा है, कुछ एकेडमिक परफॉर्मेंस हो रही है, तो उसमें कुछ कैश प्राइजेस रखे हैं, ठीक है। और वो कैश प्राइजेस कुछ इस तरह रखे हैं, ठीक है, 7 कैश प्राइजेस हैं। देखो हमें पता है कितने कैश प्राइजेस, जैसे 7 लोग हैं तो 7 लोगों को प्राइजेस दिया जाएगा, ठीक है, कैश प्राइजेस दिया जाएगा। अब कंडीशन है उनकी, देने की कंडीशन भी है उनकी। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखना है, 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। बात वैसे यहाँ पर कॉम्पिटिशन की नहीं है, बट उनके अकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब कैसा उन्होंने परफॉर्म किया होगा पूरे साल भर में, उनका डिसिप्लिन, उनका स्कोर्स, उनके जो पंक्चुअलिटी होती है, ये सब देखकर, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाते हैं डीप में। तो एक कंडीशन है कि हर एक प्राइस है वो 20 का है, उसके प्रेसिडिंग प्राइस है। देखिए कंडीशन समझना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आपके तब इसीलिए यहीं पर से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर से इम्पॉर्टेंट कहलाने लग जाता है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे क्या है। देखिए देखिए हमें एक चीज़ पता है कि नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं, फटाफट लिखते हैं, नंबर ऑफ प्राइजेस ये तो हमें पता है कितने हैं, 7। अब नंबर ऑफ प्राइज हमारे पास 7 है, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइजेस हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, 7, वी नो दैट। सो यहाँ पर देखिए अगर नंबर ऑफ प्राइज 7 तो मतलब एन यहाँ पर हम 7 ले सकते हैं, ठीक है। अब इन 7 प्राइजेस, जो 7 जो प्राइजेस है हमारे पास, 7 जो प्राइज है हमारे पास, इन सबका सम कितना है हमारे पास, 700। देखिए तो हमें एक चीज़ और देखिए कि S7 हमारे पास इज ऑलरेडी गिवन 700, ये हमें गिवन है, क्योंकि हमें ऐसा पता है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो इन सबको अगर प्लस कर दूं तो 700 आएगा। अब ये उसमें ये इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हमें कि हर एक प्राइज कितने का होगा, ठीक है। देखिए कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो देखिए मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पर, आप सुनिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लेट द प्राइस किसकी, ऑफ फर्स्ट प्राइस, ठीक है, प्राइस इनाम और प्राइस कीमत, ठीक है। तो पहले वाले की कीमत हम मान लेते हैं x, एक्स रुपया, मतलब फर्स्ट प्राइस एक्स रुपया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहा है ना क्वेश्चन। देखिए अगर देखिए लेट एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास, अगर बताइए मेरे पास पहले वाले को 100 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है, जिसने पहले इनाम जीता उसको 100 रुपये दे रहा हूँ, तो मैं अगले वाले को कितने दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा ना, यहाँ से ध्यान से सुनना, अगर मैं 100 रुपये पहले वाले को देता हूँ तो जो ये वाला जो बंदा है ना, ये जो बंदा है जो भी है, ठीक है, इसको जो भी इनाम मिला है वो पिछले वाले से 20 कम मिला है। ये आप समझिए, इस बंदे को, ये पहला पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, देखिए समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पर्सन है, ये हमारे पास जो पर्सन है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अगर और भी कोई बंदे तो मतलब इससे पहले वाला कितना होगा बताइए, 20 कम मिला, मतलब इसको कितना मिला होगा यहाँ पर, 120। चलिए ये नहीं समझते अभी, हम फिर से पहले ही समझेंगे कि अगर मैंने 100 रुपये पहले वाले को दे रखे तो मैं अगले वाले को कितने रुपये दूंगा, 80 रुपये, क्योंकि वो कह रहा कि हर एक बंदे को जो भी प्राइस मिले वो उसके प्रीसीडिंग वैल्यू से 20 कम मिले हैं। वो प्रीसीडिंग वैल्यू कितनी है, 80, तो प्रीसीडिंग वैल्यू से 20 कम सेकंड पर्सन को मिले हैं। तो अब इस वाले को कितने मिलेंगे थर्ड पर्सन को, अब इसका प्रीसीडिंग क्या होगा, 80, तो इससे 20 कम 60 मिलेंगे, फिर इसको कितने मिलेंगे, इस वाले से 20 कम कितने मिलेंगे, 40। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या क्वेश्चन कह रहा है और कैसे आपको करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट करते हैं, देखिए अब सेम थिंग आती है कि हमें तो नहीं पता है कि पहला प्राइस कितना है, अगर पहला ही प्राइस पता होता तो क्वेश्चन होता ही नहीं आपके पास ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल था, कोई नहीं, आप समझिए इसको अच्छे से। अब देखिए मैंने मान लिया पहला प्राइस मेरे पास एक्स है,
तो मैं अगला क्या मानूंगा, यहां ध्यान देने वाली बात है, प्राइस ऑफ सेकंड प्राइस। ध्यान से सुनना हाँ, अगर मैं इसको एक्स माइनस बीस रुपया, क्योंकि प्रिसीडिंग वैल्यू से 20 कम, इससे 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 20 कम, इससे कितना कम, 20 कम। देखिए ये सेकंड पर्सन है, अब सिंपल एक चीज़ देखिए, अगर पहले वाले को एक्स रुपये मिल रहा है तो इससे 20 कम किसको मिलेगा, अगले वाले को, यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना। फिर इससे भी 20 कम करना है, करिए देखिए, एक्स माइनस बीस में से भी 20 कम कर देंगे तो कितना मिलेगा, एक्स माइनस 40। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, बस समझने वाली बात थी इसमें, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपके पास, एक्स माइनस 40 रुपया। और अगले वाले को, अच्छा कितनी बार करेंगे कोई बता सकता है मुझे, इसको हम कितनी बार करेंगे, 7 बार, क्योंकि हमारे पास कितने प्राइजेस हैं, 7 प्राइस हैं, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ आपको समझ, सॉरी आ गया होगा। तो फर्स्ट प्राइज हमारे पास कितने रुपये का है, एक्स रुपये का। अगला कितने का होगा, एक्स माइनस 20 रुपये का। एंड फिर कितने होगा, एक्स माइनस थर्ड प्राइस हमारे पास 40 रुपया। इस सो ऑन टू जा सकता है, ठीक है, मैंने समझाएं के बताया आपको, ठीक है। अगला कितना होगा, एक्स माइनस 60 रुपया। अगला कितना होगा, एक्स माइनस 80 रुपया। 1 2 3 4 5, ठीक है, एक यहाँ ले लेते हैं। अगला कितना होगा, एक्स माइनस 100 रुपया। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एक्स माइनस 120 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए हर कोई वैल्यू उसके प्रेसिडिंग वैल्यू से 20 कम है, देखिए ये इससे 20 कम है ना। देखिए x माइनस 100 में 20 कम कर दो और 120 हो गए, कम हो गए। इसको देखिए, किसी भी कोई भी कुछ भी चेक कर लीजिए, x माइनस 60 देखिए, इस वाले से 20 कम है, देखिए इससे 20 कम, इसका 20 कम करता हूँ देखिए समझाने के लिए। x माइनस 40 में 20 कम कर दूँ कितना आएगा, देखिए x माइनस 60। तो ये आगे देखिए वैल्यू, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था, अच्छे से मैंने समझा दिया, इतना आसानी से कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। वॉइस क्लियर है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ विजिबल है बोर्ड में, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में, बढ़िया समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, हमें सबकी वैल्यूज मिल गई हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। अब मुझे आप जरा एक चीज़ बताइए, क्या मुझे एपी लग रही है ना, क्या मुझे एपी लग रही है, क्यों, क्योंकि हर प्रिसीडिंग वैल्यू 20 कम, मतलब हर एक प्राइस अगले प्राइस से 20 कम है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको वैसे लिखने नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूँ उसमें, क्या मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या लिखूँ, तो आप सीधे सिंपली यहाँ से देखिए बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल चीज़ कह रहा हूँ मैं आपसे, क्या कह रहा हूँ समझिए। ये हमारे पास क्या आ गया, एपी की एक सीरीज आ गई, ठीक है, अगर आगे और भी प्राइस होते तो 20 कम करते जाते, बट हमारे पास 7 ही प्राइस है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखना, हमारे पास A1 कितना है यहाँ पर, X, फर्स्ट टर्म X, अच्छा D कौन निकालेगा बताइए, हु विल फाइंड D, कौन फाइंड करेगा D, मैं करूँगा, देखिए कैसे करेंगे, प्रीवियस टर्म सॉरी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करो, ठीक है, अगले टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करो, कैसे निकलेगा देखिए, ये आपका निकलेगा आपका X माइनस 20 में माइनस X, एक्स माइनस 20 माइनस का X, इससे एक कट गया, कितना आया डी माइनस 20। तो यहाँ पर आपकी मस्त सी चीज़ आ गई, डी की वैल्यू माइनस 20। ए वन कहिए या ए कहिए, ये दिख रहा है आपको डी दिख रहा है आपको, ठीक है, फटाफट करते हैं, देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, ये मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, चलिए दुबा लेता हूँ, ए की वैल्यू कितनी थी एक्स, अब हमारे पास एस सेवन लगाइए आप फटाफट, ठीक है, चलिए एक बार के लिए मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ याद करने के लिए, Sn इज इक्वल टू होता है n बाय 2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप Sn दे रखा आपको 7 बाय 2 टू इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, हाउ मच इज डी है माइनस का 20, ये आपको समझना आ गया होगा, फटाफट कीजिए। तो यहाँ से देखिए S7 हमारे पास पता है 7 जो प्राइस है उनका सबका टोटल कितना है, इतना है 700 है, यह आ गया 2x, यह आ गया 7 माइनस 1 6 इंटू 20 माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 120, ये तो आपका आ गया होगा समझ में, 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20 माइनस का 120। अब देखिए ये कट जाता है, आपको पता है 7 1 7, ये कितना हो गया आपका 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120,
यहाँ पर से आपका देखिए 2x इक्वल टू कितना आ गया 320, ठीक है, यहाँ चले गया तो x इक्वल टू 160 आ गया। तो यहाँ से देखिए, अच्छा बताइए अब x क्या था, इतना रुपीस फर्स्ट प्राइस। सो हमारा जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना आया, फर्स्ट प्राइस की जो प्राइस है, कीमत है या कॉस्ट है जो भी है, वो कितनी है हमारे पास 160। अब तो बहुत आसान है, फटाफट सब में से भी देखिए, फर्स्ट प्राइस 160, अगला 140, 120, तो सेवन प्राइजेस आर, यहाँ लिखते हैं सेवन प्राइजेस की प्राइसेस आर, यहाँ लिख दीजिए आप फटाफट। फर्स्ट क्या आपके पास देखिए 160, अगले वाले में से 20 कम कर दीजिए, 160 माइनस 20 140, फिर 40 और कम कीजिए, 100, देखिए x यहाँ रखेंगे ना, x की जगह 160 रखेंगे तो 120, और वैसे भी यहाँ देखिए आप 100 कम, 20 कम कर दीजिए 80, 1 2 3 4 5, दिस आर एंड द लास्ट वन इज 640। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेवन कैश प्राइजेस हैं जो हमें फाइंड करने थे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, देखिए इस बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से, मैं साइड हो जाता हूँ यहाँ पर, ये हमारा सॉल्यूशन रह चुका है, सॉल्यूशन हमारा है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आपको सब समझ में आ गया होगा, इस क्लास को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और कुछ डाउट्स होते हैं प्लीज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक मैंने शेयर कर दी है, और अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर तक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ और क्वेरीज हो तो प्लीज़ क्वेश्चन में ही, अगर क्वेरीज हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो, तो आप मुझे इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे प्लीज़ वहाँ पर कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको डाउट बताऊँ। नाउ फ्रेंड्स, देख लीजिए एक बार और साइड हो जाता हूँ, ठीक है, ओके। नाउ आई हैव टू क्लोज दिस चैप्टर, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।